जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां भांजी थी, जिसमें कई छात्र घायल हो गए थे। इस बीच JNU-SU के नेत्रहीन पार्षद शशिभूषण समत को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं अब शशिभूषण समत ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो अपने ऊपर हुई इस बर्बरता को बता रहे हैं। आप भी सुनिए। मैं तो प्रोटेस्ट में क्यों आता है, और ये बोलते हुए चार पांच पुलिस वाले मुझे एक साथ पकड़ के मेरे सीने पे पैर रख दिया, उन्होंने जूते से मारा मुझे, पैर से मेरे सीने पे पैर रख दिया, पेट पे पैर रख के एकदम चढ़ गए और घुटने से मारा, गले पे मारा, और चढ़ के गंदी तरीके से मार के मुझे गर्दन से उठाया और जबरदस्ती खड़ा करके बोला भाग यहां से। मैं फिर भी हिम्मत करके भागा कि अगर मैं नहीं भागूंगा तो ये और मारेंगे, लेकिन भागते हुए इन्होंने पीछे से मेरे फिर पैर पर, दोनों पैरों पर लाठी मारी, और फिर मैं आगे की तरफ एक लड़की के कंधे पे पकड़ के मैं नीचे गिर गया, और वहां से मेरे साथी मुझे उठाकर लेके आए हॉस्पिटल। शशिभूषण समत की तरह पुलिस ने न जाने कितने छात्रों को अपने बूट तले रौंदा होगा, ये शशिभूषण की दर्द भरी आवाज से समझा जा सकता है। न्यूज़ डेस्क।